हे वेलकम बैक गाइस। तो जो बाइक आप लोग देख रहे हो ये होंडा यूनिकॉर्न है 2009 का मॉडल। ये पहले ही से ऑलरेडी मॉडिफाइड है ये थोड़ी बहुत, बट ऐसा हमको कस्टमर की डिमांड पे इसको बॉबर स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है 2-in-1 सीट में। तो इसका भी हम चेसी कट करेंगे और इसके अंदर हम लोग यामा इंटाइजर का टैंक यूज़ कर रहे हैं और चेसीज को यहाँ से कंप्लीट कट करके नया चेसिस बनाएंगे सिंगल सीट वाला। और उसके अंदर एक छोटा सा बैक सीट भी रहेगा 2-in-1 सीट। तो चेसी कट करते हैं फिर देखते हैं बाइक का लुक कैसा आ रहा है। तो गाइस चेसिस कट हो चुका है, बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है चेसिस में आप लोग देख रहे हो। इसके अंदर अभी टैंक लगा कर देखते हैं बाइक का क्या लुक आ रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। तो टैंक लग चुका है, बाइक का काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बॉबर स्टाइल में लुक आ रहा है इसका बाइक का। अब यहाँ से हमको सीट बनाना है। तो बाइक का कंप्लीट चेसी कट हो चुका है, अब हम इस पाइप से चेसिस को बनाएंगे और इसके ऊपर हमको सिंगल सीट को इंस्टॉल करना रहेगा। इसको चेसिस के हिसाब से मोल्ड करके वेल्डिंग करना होगा ये पाइप को। तो पाइप को कट करके मोल्ड करके वेल्ड कर दिया है, अभी इसके अंदर फाइनल वेल्डिंग बाकी है, फाइनल फिनिशिंग बाकी है बाइक के अंदर। और ये सीट का जो पेपर के ऊपर मैंने थोड़ा हल्का सा एक स्ट्रक्चर बनाया है, अभी इस स्ट्रक्चर को कट करके पतरे की शीट के ऊपर मैं कट करूँगा, उसके बाद देखते हैं सीट बनाकर कैसी दिख रही है सीट। तो जो सीट का कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे पास आ गया है, उसको अब पतरे की शीट पे कट करके निकालते हैं। कट करने के बाद उसको बेंड करके फिट करेंगे। और हाँ गाइस, बाकी का जो काम है अब यहाँ से हमारी न्यू शॉप पर होगा, तो बाकी का काम फिर पूरी बाइक कंप्लीट वहाँ पर अपनी न्यू शॉप पर करेगी। गाइस बाइक हमारी नए शॉप पर आ चुकी है, अब बाइक का काम बाकी का जो भी काम है अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों बाइक का कुछ ऐसा लुक आ रहा है अभी, इसके अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी पीछे का मडगार्ड वगैरह लगाना है, कुछ इस तरह से काम हो रहा है इसका। अभी पेंट वगैरह के लिए भी पूरा बाइक को फिर से खोलना पड़ेगा, अभी इतना काम हुआ है। पीछे का रियर मडगार्ड है और फ्रंट मडगार्ड है, और अभी फ्रंट में हम यहाँ पर हार्ली डेविडसन का फेयरिंग लगाएंगे, और हैंडल को थोड़ा बड़ा हैंडल डालना है इसके अंदर, बॉबर स्टाइल वाला हैंडल। तो कुछ इस तरह से अभी लुक आ रहा है, पेंट के बाद आपको बाइक पूरी कंप्लीट देखने मिलेगी। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बाइक का जो काम चालू है मॉडिफिकेशन वर्क, इसका आधा जो है अपना पुरानी शॉप पर हुआ है, और बाकी का जो काम है अपना जो नया शॉप है वहाँ पर हो रहा है। और आप लोगों को आगे का जो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो देखने मिलेगा, सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह, कलर के लिए अभी बाइक पूरा कंप्लीट खुलेगा यहाँ से, और उसके बाद में आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह पूरा कंप्लीट जब बाइक हो जाएगा, बाइक के ट्रायल्स वगैरह के वीडियोज भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट जल्दी मिलेगी। ओके।